सब्सक्राइब करें आरके ड्राइंग क्लासेस को और ये बेल आइकन भी दबा दें। प्यारे विद्यार्थियों, आज आपको इस वीडियो में कक्षा 8वीं की ड्राइंग की पुस्तक कला सेतु से ज्यामिति का क्वेश्चन नंबर 3 वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना करें। ये सवाल आपको इसमें बनाना सिखाया जाएगा। तो जिस तरह ये सवाल दिया हुआ है, इसकी रचना करना आपको सिखाया जाएगा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, वृत्त के अंतर्गत, यानी कि अंतर्गत का अर्थ होता है अंदर। तो वृत्त के अंदर हमें रचना करनी है, वर्ग की रचना करनी है हमें। तो वर्ग ऐसा चतुर्भुज होता है बच्चों, चार भुजाओं की आकृति होती है जिसके चारों कोण और चारों भुजाएं समान हों। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले आपको एक वृत्त खींचना है। तो वृत्त खींचने के लिए जैसे हमने यहाँ पर प्रकार रख लिया है और हम इस तरह से पेंसिल की तरफ से इसको घुमाएंगे तो एक वृत्त की आकृति इस तरह से बन जाएगी। और हमें प्रकार की नोक को एक ही जगह रखना है और ये दूरी समान बनाए रखनी है। तो इस तरह से हमने वृत्त खींच लिया है। अब हम इसके अंदर वर्ग की रचना करेंगे। वर्ग की रचना करने के लिए बच्चों जैसे हमने ये क्या लिया है, केंद्र लिया था। केंद्र पर इस तरह से सकेल रखते हुए और दो बिंदु परिधि पर ले लेंगे, इसकी सीध में आ जाएंगे। एक व्यास खींचना है बच्चों। व्यास वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है बच्चों। यह दो त्रिज्याओं के माप के बराबर होता है। जैसे यहाँ केंद्र से लेकर परिधि तक एक दूरी ये है, ये त्रिज्या एक हो गई और एक दूसरी त्रिज्या, यानी कि ये त्रिज्या से डबल होता है और सबसे बड़ी जीवा भी व्यास को ही हम बोलते हैं। तो इस तरह से हमने व्यास खींच लिया है। ये हमारा केंद्र बिंदु था, इसका भी आप नाम रख सकते हैं जैसे ओ, और ये ए और सी। व्यास ले लिया है। अब क्या करना है, ए बिंदु पर रखते हुए, जैसे ए पर रख लीजिए या सी पर रख लीजिए, आधे से ज़्यादा प्रकार खोलना है इस तरह से। आधा तो यहाँ पर है, हमने केंद्र लिया था, आधे से ज़्यादा खोलना है इस तरह। और आधे से ज़्यादा प्रकार खोलते हुए हमें ये चाप लगाते हुए व्यास का लंबवर्धक हम खींचेंगे। एक बार चाप इधर से लगाएंगे, एक बार सी की तरफ से लगाएंगे। इतना ही प्रकार खोले खोले समान प्रकार रखना है हमें, समान दूरी का प्रकार रखना है। इस तरह से दूसरी चाप लगाएंगे जो इसको काटेगी पहली वाली चाप को। तो ये यहाँ पर काट रही है बच्चों, और ये नीचे यहाँ काट रही है। इन दोनों को हम मिला देंगे, और जैसे ही हम मिलाएंगे तो हमें जो हमारा वर्ग है उसके दो शीर्ष और प्राप्त हो जाएंगे। दो शीर्ष हम उनको बनाएंगे जो ए और सी हमने वृत्त के अंदर व्यास लिया था। तो एक दो तीन चार, इनको हम मिला देंगे इस तरह से। इसको मिलाएंगे पहले, और इसके सीध में ये है, इसको मिला देंगे, फिर इनको मिला देंगे, और हमें अपना जो वर्ग है वृत्त के अंदर वो प्राप्त हो जाएगा। आपको सही इन बिंदुओं पर पैमाने को सीध में रखना है और फिर मिलाना है ए बी सी डी, और ये केंद्र बिंदु था बच्चों। तो इस तरह से हमें वृत्त के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। आपको वीडियो के साथ साथ ही सवाल को बनाना है बच्चों, इसलिए आपको जब वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताया जाए तभी आपको सवाल बनाने हैं। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।